मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। एज़ वी हैव स्टार्टेड आर चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, द अर्लीस्ट सोसाइटी। एंड इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज इन ब्रीफ, बट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पैलियोलिथिक एज इन डिटेल्स। सो लेट स्टार्ट द ओल्ड स्टोन और पैलियोलिथिक एज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक टर्म है, ये कैसे बनी। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, मीन्स इसे ओल्ड स्टोन भी कहा जाता है, एज भी कहा जाता है और पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 5 लाख BCE टू 10,000 BCE। ठीक है, तो ये जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है, दैट इज 10,000 BCE टू 5 लाख BCE। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम के दौरान, मीन्स पैलियोलिथिक एज के टाइम की बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक का मीनिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि नोमैडिक का मीनिंग होता है कीप मूविंग, चेंज मीन्स कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, मूव करते रहना, क्योंकि ये परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे। वैंडरिंग इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में घूमना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, मीन्स इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, मीन्स अब फूड की सर्च के लिए और शेल्टर की। और पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है अर्ली पैलियोलिथिक एज, देन मिडल पैलियोलिथिक एज एंड देन अपर पैलियोलिथिक एज। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट द अर्ली पैलियोलिथिक एज। द अर्ली पैलियोलिथिक एज करस्पॉन्ड्स टू द टाइम वेन द फर्स्ट स्टोन टूल अपीयर्स। तो मीन्स जो अर्ली पैलियोलिथिक एज है वो कौन से टाइम के बारे में हमें बताता है, जब फर्स्ट टाइम स्टोन टूल्स अपीयर हुए थे। द टूल्स वर यूज्ड, द टूल्स यूज्ड वर, उस टाइम जो टूल्स यूज होते थे वो कौन कौन से होते थे, हैंड एक्सिस एंड चॉपिंग टूल्स। हैंड एक्सिस कौन, मीन्स जो एक्सिस होते, कुल्हाड़ी, हाथों से जो कुल्हाड़ी का यूज़ होता था। चॉपिंग मीन्स कट करने के लिए टूल्स का यूज़ करते थे। At that time the climate was extremely cold. उस time जो climate होता बहुत ज़्यादा cold होता था, and many parts of the earth were covered in ice. और जो earth के जो बहुत सारे parts थे वो ice से cover थे, ठीक है। And this is why this age is also known as ice age. तो आप खुद समझ सकते हो कि उस time, इतने सालों पहले, जो हमारी अर्थ थी उसका क्लाइमेट कितना कोल्ड होता था, इसलिए उसको आइस एज भी बोला जाता था। कब? अर्ली पैलियोलिथिक एज में। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है, इसको अंडरलाइन करके रखना है। इन इंडिया लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोन इन पंजाब, विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, एंड रिवर नर्मदा। तो मीन्स ये जो लोअर, जो अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैं, इसकी हमें वो साइट्स कहाँ मिली, कहाँ पे मिली, जो पंजाब में रिवर है सोन रिवर, ठीक है, और जो नर्मदा रिवर है वहाँ पे हमें इनकी साइट्स मिली, ठीक है। तो अब जो सोन रिवर है, एक्चुअली अब इस टाइम डिवीज़न के बाद पंजाब, आपको भी पता है कि पंजाब के कुछ डिवीज़न के बाद कुछ चीज़ें कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में। तो अब जो ये सोन रिवर है पाकिस्तान में है, ठीक है। तो हमें मोस्टली सोन और रिवर नर्मदा में मिले, जो लोअर पैलियोलिथिक साइट्स मिली थी, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि इस एज में क्या क्या यूज़ होता था। सेकेंड, इन द मिडल पैलियोलिथिक एज पीपल लार्जली यूज फ्लेक टूल्स, ठीक है। तो जो मिडल एज थी, इस टाइम पीपल फ्लेक टूल यूज करते थे। ये टूल्स मैं आपको नेक्स्ट, यू कैन से नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी। सम होम इम्प्लीमेंट्स सच एज नीडल्स हैव बीन फाउंड। तो उस टाइम कहते कुछ होम में, जो घरों पर चीजें यूज होती थी, तो ऐसी कुछ नीडल्स मिली, इंडिकेटिंग दैट फर्स एंड एनिमल स्किन्स वर स्यून क्रूडली टू कवर द ह्यूमन बॉडी, जो कि इंडिकेट करती हैं, हमें बताती हैं कि कैसे उस टाइम जो फर थी, जो एनिमल्स का स्किन था, उसका यूज़ किया जाता था। सियून मीन्स उनको सीला जाता था, क्रूडली मीन्स मोटा मोटा, टू कवर, कवर करने के लिए ह्यूमन बॉडी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस टाइम जो ड्रेसेस तो नहीं थी, मीन्स कपड़े का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो क्या करते थे, ह्यूमन की जो ह्यूमन बींग थे वो एनिमल स्किन वोर करते थे। दिस इज़ द टाइम वेन पीपल बिगिन टू फॉर्म लिव इन ग्रुप्स, और यही वो टाइम था, इस टाइम पीरियड में लोगों ने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया। दे बिगिन टू पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, उन्होंने ये भी स्टार्ट किया कि जो केव्स की वॉल्स थी उनको पेंट करना। एंड अ नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ दैट स्टार्टेड एट दिस टाइम वॉज बरियल ऑफ द डेड। और इस टाइम के जो एक नोटिसेबल एस्पेक्ट था वो क्या था, कि जो ग्रुप लाइफ थी, ठीक है, वहाँ पे उनको क्या देखने को मिला, कि जो डेड बॉडी थी उसको दफनाया जाता था, ये देखने को मिला।
कि उस टाइम भी दफनाया जाता था इन इंडिया मिडल पैलियोलिथिक साइट्स। तो जो हमें इंडिया में मिडल पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर लूनी इन राजस्थान एंड नर्मदा वैली। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अर्ली पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स है वो कहाँ मिली हमें, पंजाब में सोन रिवर और रिवर नर्मदा में। सेम मिडल जो पैलियोलिथिक साइट्स है वो हमें कहाँ मिली, नर्मदा वैली और राजस्थान की जो रिवर है लूनी। नाउ वी विल रीड अबाउट द अपर पैलियोलिथिक एज corresponds to the last phase of the ice age when the climate become warmer. Means ये वो एज थी जब जो आइस एज थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट क्या होता था, एक्सट्रीमली कोल्ड होता था, बट इस एज में आपको देखने को मिला कि कैसे जो क्लाइमेट है वो चेंज होने लग गया, वार्मर होने लग गया। पीपल ऑफ दोज टाइम्स मोस्टली यूज ब्लेड टूल्स। उस टाइम जो पीपल थे वो ब्लेड यूज़ करते थे, ब्लेड टूल्स यूज़ करते थे। कौन से वाले ब्लेड्स, जो हम ब्लेड्स यूज़ करते हैं आयरन वाले, वो नहीं, उस टाइम स्टोन के ब्लेड्स यूज़ होते थे। दिस पीरियड ऑल्सो सो द फर्स्ट ह्यूमन मेड शेल्टर्स, कि फर्स्ट टाइम ह्यूमन मेड शेल्टर्स देखे गए, ठीक है। पीपल बिगेन टू मेक नेकलेसेस बनाने लगे, ब्रेसलेट्स ऑफ मटीरियल लाइक शेल्स एंड बोन्स। आपने पिक्चर्स में भी कई बार देखा होगा कि उस टाइम जो लोग थे, मूवीज में देखा होगा कि शेल्स और बोन्स के ब्रेसलेट वियर करते थे। इन इंडिया द मोस्ट नोटेबल अपर पैलियोलिथिक साइट हैज़ बीन फाउंड इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में हमें इसकी साइट्स मिली, जहाँ से हमें पता चला कि उस टाइम इस तरह के नेकलेस या इस तरह की चीज़ें यूज होती थी। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पेज नाउ। एट दिस टाइम ह्यूमन्स वर नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। मीन्स जो पैलियोलिथिक एज थी उस टाइम जो ह्यूमन्स थे वो होम फूड प्रोड्यूसर नहीं थे, ठीक है। मीन्स दैट इज नो वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स वर ग्रोन बाई दैम। मीन्स खुद वो ग्रो नहीं करते थे, मीन्स एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। हाउ एवर बल्कि देयर वर ट्रिमेंडस प्रोग्रेस, हाँ प्रोग्रेस हुई इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स अलॉन्ग विद द डिस्कवरी ऑफ फायर। मीन्स इस एज में डिस्कवरी हुई थी फायर की, तो इसके साथ साथ टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स टूल बनाना स्टार्ट हो गया था, ये प्रोग्रेस हुई थी इस एज में। लेट अस लर्न मोर अबाउट द सब डिविजन ऑफ पैलियोलिथिक एज फ्रॉम द फ्लो चार्ट गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको फ्लो चार्ट समझा चुकी हूँ, तो नाउ वी विल रीड अबाउट द पैलियोलिथिक पीपल एंड नीड्स फॉर टूल्स। द प्राइमरी मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पीपल, उस टाइम जो लोगों का जो प्राइमरी मीन था सर्वाइव करने का, मीन्स उनका जो मीडियम था वो क्या था, वॉज हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को हंट करना, एंड गैदरिंग प्लांट्स फॉर फूड, फूड को गैदर करना हंटिंग करके। एंड अर्ली ह्यूमन्स देयर फॉर रिक्वायर टूल्स एंड वेपन्स फॉर हंटिंग एज वेल एज प्रोसेसिंग फूड। तो मीन्स उस टाइम उनको पता चला कि हमें किस चीज़ की नीड है, वेपन्स की और टूल्स की, क्योंकि फूड हंट करने के लिए भी तो हमें इन चीज़ों की नीड है। दे बिगिन टू शेप स्टोन्स, फिर उन्होंने धीरे धीरे स्टोन्स को शेप करना शुरू कर दिया इंटू क्रूड नाइव्स। मैं आपको अभी पिक्चर्स में दिखाती हूँ, एक्स हेड्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स, ये सब क्या थे, टूल्स थे अलग अलग, मीन्स स्टोन्स के ही बने हुए टूल्स थे। स्टोन्स कुड बी शार्पन्ड, स्टोन्स को शार्पन किया जाने लगा, एंड शेप्ड इंटू वराइटी ऑफ साइज एंड डिडंट ब्रेक इजिली। ऐसे ऐसे स्टोन्स के मीन्स टूल्स बनाए गए जो अलग अलग साइज के थे, उनको जल्दी जल्दी ब्रेक ना किया जा सके। Prehistoric people used stones tools for a variety of purposes. अब जो prehistoric people थे उन्होंने stone tools का use करना start किया बहुत सारे purposes के लिए। कौन कौन से purposes थे वो, cutting meals, ठीक है, meal को cut करने के लिए, hunting animals, animals को hunt करने के लिए, cutting down trees, trees को cut करने के लिए, clearing forest, forest को clean करने के लिए, and smoothen bark and animal skin. So animal skin और bark होती थी ना, trees की छाल होती थी वो बहुत rough होती थी, तो उसको smooth करने के लिए वो different tools का use करने लगे। Now you can see here the picture of the tools, types of different tools, ठीक है। तो वो कौन कौन से tools थे, core tools, flake tools and blade tools, and some early stone tools, जो stone tools use होते थे, मैंने अभी आपको बताए भी थे कि hand एक्स देख सकते हो आप, कुल्हाड़ी जो हाथ से हम यूज़ करते हैं, इस तरह की कुल्हाड़ी दिखती थी स्टोन से बनी हुई, चॉपर, ठीक है, स्टोन से बने हुए चॉपर, जिसे मीन्स चॉपिंग करने के लिए मीट को यूज़ किया जाता था। इस टाइम में तो जो स्टोन टूल्स थे ना काफ़ी बड़े बड़े थे साइज़ में, आप देख सकते हो, ठीक है, और क्लीवर, ठीक है, इस तरह की जो ब्रांचेज वगैरह को कट करने के लिए ट्रीज़ की, स्क्रैपर, एरो हेड, यू कैन सी दीज, ठीक है, मीन्स एरो हेड का यूज़ किया जाता था रनिंग एनिमल्स को हंट करने के लिए, जो एनिमल्स भाग रहे थे उस टाइम इन्होंने हंट करके खाते थे, इनका फूड यही था, तो हंटिंग करने के लिए ब्लेड्स, तो इस तरह की ब्लेड्स डेट आई वॉज सेइंग यू, इस तरह की ब्लेड्स यूज़ करते थे। मीन्स बहुत जो इनकी एज होती थी बहुत शार्प होती थी इन स्टोन्स की,
तो इस तरह के कुछ टूल्स यूज किए जाते थे प्री हिस्टोरिकल सॉरी पैलियोलिथिक एज में। जैसा कि हमें पता ही है कि इस एज में डिस्कवरी हुई फायर की, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पैलियोलिथिक एज वॉज डिस्कवरी ऑफ फायर। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था पैलियोलिथिक एज का वो क्या था, डिस्कवरी ऑफ फायर। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ फॉर ह्यूमन काइंड, बहुत एक टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन काइंड के लिए। दो अर्ली ह्यूमंस मे हैव सीन नेचुरल फायर, द क्रिएशन ऑफ फायर वॉज बाय द चांस और एन एक्सीडेंट। अब उन्होंने नेचुरल फायर में भी देखी होगी, बट जो फायर की क्रिएशन हुई वो बाय चांस हुई थी और बाय एन एक्सीडेंट, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट फायर वॉज प्रोबेबली प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि जो फायर थी शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद, प्रोड्यूस हुई थी जब टू स्टोन्स को आपस में रब किया गया। ग्रेजुअली धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन्स लर्नड हाउ टू यूज फायर इन अ वराइटी ऑफ वेज। तो धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स को पता चला कि फायर का किसे अलग अलग वेज में यूज किया जा सकता है। फायर हैड द फॉलोइंग एडवेंचर्स, ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है, डिस्कवरी ऑफ फायर इन पैलियोलिथिक एज, कैसे स्टोन को आपस में रब करने पर उन्हें पता चला कि कैसे फायर का क्रिएशन हुआ। अब फायर के क्या क्या यूजेस थे, एडवांटेजेस थे उस टाइम। इट कुड कीप द पीपल वार्म, क्लाइमेट बहुत ठंडा था तो इसलिए पीपल अपने आप को वार्म करने के लिए यूज कर सकते थे। लाइट अप द डार्क केव्स, क्योंकि वो केव्स में रहते थे गुफाओं में, उस टाइम लाइट नहीं होती थी तो वहाँ के लाइट अप करने के लिए। इट हेल्प्ड ह्यूमंस टू रोस्ट एंड कुक फूड, फूड को रोस्ट करने के लिए, कुक करने के लिए यूज कर सकते थे फायर का। इट वॉज यूज, इसका यूज किया जाता था टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड जंगली एनिमल्स थे उनको डराने के लिए। एंड हेल्प अर्ली ह्यूमंस इन देयर बैटल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के लिए भी बैटल में यूज करते थे, ठीक है। अब एक प्लेस था चेसोवेंजा इन केन्या, केन्या इस जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, शोज वन ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फायर इन द लोअर पैलियोलिथिक एज। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है उसके जो हमें एविडेंस मिले वो कहाँ मिले, चेसोवेंजा केन्या में मिले। अब आपको एक माइंड मैप गिवन है जिससे आप हल्की सी इससे आप रिवाइज कर सकते हो जो हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। क्या क्या रीड किया हमने, कि जो फायर है उसकी क्रिएशन हुई थी बाय एन एक्सीडेंट हुई थी, उसको डिस्कवर्ड किया गया कौन सी एज में, मींस फायर का डिस्कवर्ड हुआ पैलियोलिथिक एज में, और जो एविडेंस हमें मिले वो कहाँ कहाँ मिले, जो पैलियोलिथिक एज के जो एविडेंस मिले हमें चेसोवेंजा केन्या में है जो, और कुर्नूल जो इंडिया में है। तो ये टू प्लेसेस थे जहाँ पे हमें पैलियोलिथिक एज के एविडेंस मिले, सबूत मिले, ठीक है। एंड यूजेस मीन्स फायर के क्या क्या यूजेस थे, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोवाइडेड वार्म, लिट अप डार्क केव्स गुफाओं में लाइट करने के लिए, उस टाइम क्लाइमेट बहुत ठंडा था तो गर्मी के लिए, फूड कुक करने के लिए, एंड केप्ट अवे वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स को दूर भगाने के लिए। तो ये इनके यूजेस थे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड अबाउट पैलियोलिथिक एज इन डिटेल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द मीसोलिथिक एज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।